शासन के द्वारा अवैध कब्जे हटाए गए, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस का जमकर विरोध किया। गाजियाबाद के लोनी में घिटोरा रोड पर UPSIDC की भूमि है, जिसका मुआवजा 2011 में दिया था, लेकिन कुछ किसानों के संतुष्ट न होने के कारण समय समय पर विरोध होता रहा, जिससे भूमि पर किसान खेती कर रहे थे, जिस पर प्रशासन के सहयोग से इस पर बड़ी कार्रवाई की गई। मौके पर पहुंचे कुछ किसानों ने इसका विरोध भी किया। भूमि को खाली कराने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए थे। लोनी तहसीलदार शिव नरेश ने पहुंचकर पहले किसानों से वार्ता की, उसके बाद 230.5 हेक्टेयर भूमि पर UPSIDC को कब्जा दिलाया। तहसील प्रशासन ने पहले तो भूमि को चिन्हित किया, इसके बाद ट्रैक्टर और JCB की मदद से भूमि पर कब्जा लेने का कार्य शुरू कर दिया। सुधाकर सिंह, गाजियाबाद, समाचार 24। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणबीर, गांव घिटोरा। क्या मामला हुआ? मामला यह है कि 2010 में इन्होंने किसानों को मुआवजा देना शुरू किया, वो तरीका इन लोगों का गलत था। धारा 4417 लगाई, चलो किसानों ने मुआवजा भी नहीं उठाया तो इन्होंने क्या काम करो, मुआवजा ट्रेजरी में डाल दिया। किसानों ने फर्द निकलवाई तो किसान के नाम से वो जमीन भी गई, तो किसानों ने मजबूरी में मुआवजा उठाया, ना कि किसान पे जमीन रही ना किसान का पैसा रहा। कई बार इन्होंने झूठ बोल करके हमारी वार्ता कराई, झूठ बोल करके गांव में मीटिंग हुई। आज क्या हुआ यहाँ पर? आज ये हुआ, हमारे तहसीलदार साहब से हमने इनसे रिक्वेस्ट की, आप एक काम करें, हमारी विवाद जमीन है, न्यायालय भी न्याय है ये, और हम आप हमारे भाई हैं, अधिकारी बाद में बने हैं। इस अधिकारी ने किसान का नखा लिया, वो किसान का बेटा बन जाता है, लेकिन इन्होंने अनसुनी करी। जब अनसुनी कर दी, क्योंकि ये तो प्रशासन का जोर है, शासन का जोर है। सुना है आपकी SDM साहब से भी बात हुई है? SDM साहब से मेरी बात हुई, SDM साहब ने सीधा जवाब दिया कि काम तो हमारा चलेगा, यह तो नहीं रोक सकते हम, लेकिन हमसे आकर के वार्ता करो। मैंने कहा SDM साहब ये काम बंद करा दो, हम आपसे भी वार्ता कर लेंगे, लेकिन SDM साहब ने दबंग से वार्ता हमारी करने के लिए तैयार ना है, ना काम बंद करने के लिए। अब हमको दिक्कत हो रही है, हम सब किसान है, यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं? यहाँ के अधिकारी सुन नहीं रहे, दबंग से काम कर रहे हैं, हम अनसुनी कर रहे हैं। तो हमने निर्णय लिया सभी किसानों ने कि हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे, हम बिल्कुल भी अब इनकी सुनने वाले ना है, क्योंकि हमने दर्द बहुत सहा है। तो दिल्ली की तरफ जाके क्या करेंगे? दिल्ली की तरफ जाकर के ये करेंगे कि मान लिया अरविंद केजरीवाल जी, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हम निकाल दिया, हमें रहने के लिए 10 गज जमीन दे दी। कुछ समय बाद हमारे बैल भी वहीं जाएंगे और हमारी भैंस भी वहीं जाएंगी, हम उत्तर प्रदेश सरकार में इस तरह गुलामी की जिंदगी जीने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो प्लान करेंगे आप, इसका मतलब प्लान कर दिया, हम रुकेंगे नहीं। यह मेरे पास जुआ है जिसको किसान के बर्थों पर चलाते हैं, यह मेरी पहचान है, हम किसान है और यह मेरे किसान के सभी बेटे और किसान। सर आज यहाँ पर सर कब्जे की कार्रवाई की गई है, सर क्या है मामला? ये पेपर पजेशन हमारा पहले से है जी, आलियाबाद का 230.53 एकड़ जमीन है जी, इसका करार के तहत किसानों को हम लोगों ने मुआवजा 2011 में दे दिया था जी, लेकिन आज तक वो किसान जब भी हम लोग यहाँ कब्जा लेने या इसका डेवलपमेंट करने आते हैं जी, तो किसान कुछ लोग जी, आपने देखा अभी 8-10 लोग ही आए थे जी, और वो यहाँ आके व्यवधान पैदा करते हैं जी, तो आज हम फोर्स की मदद से ये हम अपनी बाउंड्री पे हम पोल लगा के पूरा अपना डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं। टोटल कितनी जमीन है सर? 230.53 एकड़ है आलियाबाद की, तो करार के तहत लेगी किसानों को पूरा मुआवजा दिया जा चुका। तो सर कितनी जमीन को कब्जा करा दिया गया? पूरा 230.53 पूरी टोटल प्रशासन की देख रहे हैं ना, वहाँ से लेके हम टोटल जमीन कब्जे में ले रहे हैं। है पेपर पे पजेशन हमारा है, किसान कोर्ट में गए, वहाँ से उन्हें कोई वो नहीं मिला, क्योंकि किसान करार के तहत पैसा सब उठा चुके हैं। अच्छा, प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिला है? पूरा सहयोग मिल रहा है, तहसीलदार साहब सवेरे से यहाँ हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, सब लोग हैं, पूरे जिले की पुलिस यहाँ है, पूरा सहयोग मिल रहा है। किसान फिर अगर जगह मुआवजा ले चुके हैं तो मुआवजा लेने के बाद उपद्रव क्यों कर रहे हैं? कोई उनके पीछे कोई आधार नहीं है, क्योंकि कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट ने भी कोई रिलीफ नहीं दिया है, तो कोई आधार नहीं है किसानों का, इसीलिए तो कोई आया नहीं। 10 लोग आए होंगे, 8 लोग आपने देखा ही। हाँ।